सरकारी नौकरी की तर्ज पर मोदी सरकार अब देश के युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने अगले 18 महीने में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से मंगलवार सुबह ट्वीट कर बताया गया कि अगले 1.5 साल में मोदी सरकार 10 लाख नौकरियां देगी। आपको बता दें, पिछले कई साल से सरकारी पदों पर भर्तियां नहीं हो रही, जबकि इस दौरान देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1 मार्च 2020 तक विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों में करीब 9 लाख पद खाली पड़े थे। माना जा रहा है कि अब ये संख्या 10 लाख के ऊपर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों में 40 लाख से ज्यादा पद स्वीकृत किए, लेकिन वर्तमान में 32 लाख से कम कर्मचारी कार्यरत हैं। सरकार सालों से इन रिक्तियों को भरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली। न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक 5 विभागों, डिफेंस, होम मिनिस्ट्री, डाक विभाग, रेलवे और रेवेन्यू में सबसे ज्यादा 8 लाख पद खाली हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे में लगभग 15 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले 2,30,000 पद खाली हैं। रक्षा विभाग में करीब 2.5 लाख रिक्तियां हैं। डाक विभाग में 90,000 पद खाली हैं, जबकि रेवेन्यू विभाग में लगभग 74,000 रिक्तियां हैं। गृह मंत्रालय की बात करें तो यहां स्वीकृत 10 लाख से ज्यादा पदों के मुकाबले करीब 1,30,000 पद खाली हैं। आपको बता दें, 10 लाख नौकरियां देने का टारगेट दिसंबर 2023 रखा गया है। इसके बाद साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। वहीं साल 2022 में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में जानकार पीएम मोदी के इस कदम को आगामी लोकसभा और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।